सब्सक्राइब करें रेसिपीज विद प्रिया को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का हलवा। इसको बनाना बहुत ही आसान होता है और आप इसको प्रसाद के लिए भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ सूजी लिया है, एक बाउल से थोड़ा कम सूजी, चीनी, 4 चम्मच घी, कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाही लिया है, कढ़ाही हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें घी डाल देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। थोड़ा सा इसको चला के अब इसमें सूजी डाल देंगे। और मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट अच्छे से भून लेंगे। सूजी भी हमारा भून चुका है, गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। जिस कटोरी से सूजी लिया था उसी कटोरी से 2 कटोरी पानी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। चीनी मैंने यहाँ 4 चम्मच लिया है, आप अपने पसंद के अनुसार कम या ज्यादा डाल सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे इसको चलाते रहेंगे। सूजी में पानी अच्छे से सूख चुका है, इसका मतलब हलवा हमारा रेडी है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। हमारा सूजी का हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए बिल्कुल दानेदार सा हुआ है। तो आप भी इस तरीके से घर पे जरूर बनाएं। मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगते हैं और ये बहुत अच्छा बनेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। और हाँ, मेरे चैनल रेसिपीज़ विद प्रिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।